Assalamu alaikum everyone. Today we will talk about neurotransmitters, their function and the types of neurotransmitter. So, neurotransmitters are chemical that transmit signals across a synapse. A synapse, which is a gap between neurons, you can say nerve cells, or between a neuron and a target cell. So these chemicals are released from the synaptic vessels of the neuron, sending the signals into the synaptic cleft. It's mean ke ji neurotransmitters jo hote hain wo neuron ke end pe jo hai wo ek aap kahenge ki synapse sa hota hai jahan par sare neurotransmitters jo hote hain wo gather hote hain aur wahan se phir wo aage transmit hote hain towards the next one, theek hai, where they bind to specific receptors on the membrane of the target cells. अब target cells कौन से हो सकते हैं? वो muscle cells भी हो सकते हैं, gland cells भी हो सकते हैं. तो वहाँ जाके specific जो target cells होता है, वहाँ पर इन neurotransmitters में जाकर bind होना होता है. So this binding process triggers a response in the target cells. Either ये exciting कर रहा होता है, excite, और inhibiting कर रहा होता है its activity. अगर आना जो neurotransmitters हैं उनकी जो आप कहेंगे एक तरह की जो binding की speed, मैं बहुत ही easy words में कहूँ कि अगर वो speed बहुत ज़्यादा जो है वो ज़्यादा हो जाएगी तो भी ये problem create करेगा. अगर ये चीज़ रुक जाती है तो भी ये चीज़, या slow down हो जाती है तो भी, ये दोनों सूरतों में जो है problem create होती है. अच्छा जी, अगर हम टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर की बात करें तो देर आर मैनी टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स, ईच विद स्पेसिफिक फंक्शंस हैं एंड इफेक्ट्स ऑन द नर्वस सिस्टम. और सम कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं उनको यहाँ पर आज मैं डिस्कस करूँगी, जो कि इंक्लूड होते हैं हमारे जो आप कहेंगे कि अगर उनकी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है हमारे मूड्स पे, हमारे इमोशंस पे, तो जो कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनका जिक्र जो है मैं आज इस वीडियो में करूँगी. जो नंबर वन पे न्यूरोट्रांसमीटर है वो एसिटाइल क्लोरीन है. सेकंड वन इज डोपामाइन और डोपामाइन, सेरोटोनिन और नॉन एपिनेफ्रियन, ग्लूटामेट और गैबा न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं, ये जो हैं इनके डिफरेंट फंक्शंस हैं, डिफरेंट किस्म के फंक्शंस जो हैं ये उनमें इन्वॉल्व होते हैं. अच्छा, डिफरेंट फंक्शंस इनके किस तरह से और कौन कौन से डिफरेंट फंक्शन हैं, जैसे कि एसिटाइल क्लोरीन जो है वो इन्वॉल्व होता है मसल्स मूवमेंट में, जो ह्यूमन की मेमोरी है उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, और लर्निंग के लिए, स्पेसिफिकली लर्निंग के लिए बहुत ही अहम है. ये न्यूरोट्रांसमीटर अगर रिलीज होता है अपने आप इस तरह से कहेंगे कि मुनासिब मकदार में, ना बहुत ज़्यादा हो रहा है ना बहुत कम, तो फिर आपकी जो लर्निंग और मेमोरी के प्रोसेस हैं ये बहुत ही अच्छे होंगे उन पर्सन में. अच्छा, नेक्स्ट वन जो है इस डोपामाइन और डोपामाइन, ये डिफरेंट इसकी लोग डिफरेंट तरह से बुलाते हैं तो इसलिए मैं दोनों तरह से बोल रही हूँ. ये प्ले करता है जी एक इम्पॉर्टेंट रोल इन मोटिवेशन, रिवॉर्ड हो या प्लेयर एंड मोटर कंट्रोल, इन चीज़ों में जो है ये चीज़ इन्वॉल्व होता है, ये वाला न्यूरोट्रांसमीटर. सेरोटोनिन जो है वो रेगुलेट करता है हमारे मूड को, जो हमारे मूड स्विंग्स हो रहे होते हैं वो इस न्यूरोट्रांसमीटर पे बेस कर रहे होते हैं. इसकी एक्टिविटी या इसकी रिलीज, ये जो यहाँ ज़्यादा रिलीज हो रहा है या ये कम रिलीज हो रहा है न्यूरोट्रांसमीटर, ये चीज़ जो है ये इन्वॉल्व होती है हमारे मूड में, मूड के लिए ये मूड रेगुलेट करता है. एपिटाइट में इन्वॉल्व होता है, यानी हमें भूख लग रही है नहीं लग रही, स्लीप एंड सम कॉग्निटिव फंक्शंस जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं इस न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से. नॉन एपिनेफ्रिन जो होता है वो आप किसी भी स्ट्रेस के रिस्पॉन्स के लिए आप अलर्ट हो जाते हो, जो चीज़ें करते हो उसमें ये इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि फाइट एंड फ्लाइट वाली जो कंडीशंस होती हैं उसमें ये न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है एट द टाइम जो है ये रिलीज़ होता है, और हम उस टाइम पर जो डिसीजन लेते हैं कि हम लोग या फाइट और फ्लाइट, तो ये चीज़ ये न्यूरोट्रांसमीटर इस चीज़ में, स्ट्रेस रिस्पॉन्स में इम्पॉर्टेंट है. ओके, ग्लूटामेट. ग्लूटामेट जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो इन्वॉल्व होता है लर्निंग में एंड मेमोरी में. नेक्स्ट वन जो है एंड द लास्ट वन जिसकी डिस्कशन करनी है वो गैबा न्यूरोट्रांसमीटर है. गैबा जो है हमारी जो रिलैक्सिंग जो कंडीशंस होती हैं उसमें इन्वॉल्व होता है, या अगर हम लोगों को एंग्जाइटी रिड्यूस करनी है उस चीज़ में ये न्यूरोट्रांसमीटर, अगर इसकी आप कहें कि एक
तरह की आप कहें कि प्रोडक्शन या जो प्रोडक्शन इसकी स्लो हो जाए अगर, तो फिर क्या होता है कि इंसान एंग्जाइटी की तरफ जाना स्टार्ट हो जाता है. आपके अंदर जो आप रिलैक्स फील कर रहे होते हैं वो चीज़ जो है वो कम हो जाती है, और आपको हर वक्त एक टेंशन और सोचें और फ्यूचर की टेंशन, तो ये चीज़ आपको यानी एंग्जाइटी स्टार्ट हो जाती है. अच्छा, दीज न्यूरो ट्रांसमीटर अलॉन्ग विद अदर्स वर्क टूगेदर टू रेगुलेट वेरियस फंक्शंस ऑफ द नर्वस सिस्टम, जिसमें इंक्लूड होता है जी सेंसरी परसेप्शंस, मोटर कंट्रोल, कॉग्निशन, हमारी इमोशंस एंड हमारे जो बिहेवियर है. इम्बैलेंस इन न्यूरो ट्रांसमीटर्स, जो कि पहले भी बात की है, जैसे ही इम्बैलेंस होगी इसका न्यूरो ट्रांसमीटर का लेवल, तो जी डिसफंक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाता है, और इट कैन लीड टू न्यूरोलॉजिकल और साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स. सो इसके लिए डिफरेंट किस्म की मेडिसन्स आती हैं जो कि हमारे न्यूरो ट्रांसमीटर्स को रेगुलेट करते हैं. आप जब भी इस तरह के कोई भी मेंटल इश्यूज से आप रिलेटेड किसी भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, तो वो आपकी थेरेपीज के साथ साथ आपको मेडिसन्स भी देती हैं, ताकि आपके जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं उनके जो इम्बैलेंस हुए हैं ये चीज़ जो है वो नॉर्मल हो. तो जो डिफरेंट मेडिसन्स हैं वो इसलिए इम्पॉर्टेंट होती हैं कि ये न्यूरो ट्रांसमीटर्स को बैलेंस करते हैं. तो इस तरह से ये बहुत ही एक ईजी वर्डिंग में एक न्यूरो ट्रांसमीटर्स के बारे में एक वीडियो थी. होप सो आपको इन्फॉर्मेटिव लगेगी. अगर लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो. थैंक यू.